नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट टर्न स्पिरिचुअल। आपके साथ मैं हूँ रीना। शिव जी को पति के रूप में वरण करने के लिए पार्वती जी जंगल में कठोर तप कर रही थी। तभी शिव जी के कहने पर सप्त ऋषि उनके प्रेम की परीक्षा लेने लगे। ऋषियों ने तरह तरह के उन्हें समझाया कि शिव किसी की तरह उनके योग्य नहीं है। शिव जी को अवगुणी बताते हुए उन्होंने पार्वती जी का मन उनसे हटाने के लिए यहाँ तक कहा कि तुम्हें उनके साथ पत्नी के रूप में रहते हुए कोई सुख नहीं मिलेगा। नारद जी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। शिव तो भीख मांगकर खा लेते हैं और कैसे भी सो जाते हैं। पंचों के कहने पर शिव ने सती से विवाह कर लिया था, फिर उसे त्याग कर मरवा डाला। ऐसे लोगों के घरों में भला क्या कभी कोई महिला टिक सकती है। रामचरितमानस में बालकांड में तुलसी बाबा लिखते हैं कि फिर ऋषियों ने कहा कि हमने तुम्हारे लिए एक अच्छा वर तलाशा है। वह सुंदर, पवित्र, सुखदायक और सुशील भी है। उसका यश और लीला वेद भी गाते हैं। वह लक्ष्मी का स्वामी और बैकुंठपुर का रहने वाला है। हम ऐसे वर से तुम्हारा विवाह करा देंगे। ऋषियों के प्रस्ताव सुनने के बाद पार्वती जी ने कहा, आपने सही कहा कि मेरा शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसलिए मेरी जिद मेरे स्वभाव में है। पत्थर से ही सोना निकलता है जो जलाए जाने पर भी अपना स्वभाव नहीं छोड़ता। इसलिए मैं भी नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे मेरा बस घर बसे या उजड़े। आप यह कठोर वाणी कहीं और जाकर बतलाएं। इतना सुनते ही ऋषिगण बोले, हे जगजननी, हे भवानी, आपकी जय हो। आप माया है और शिव जी भी भगवान है। इतना कह उनके चरणों में सिर नवाते हुए ऋषि वहाँ से चले गए और सारी कथा शिव जी के पास जाकर उनको सुनाई। शिव जी माँ पार्वती जी के इस रूप को सुनकर मुस्कुराए और ध्यान मग्न हो गए। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे आने वाले वीडियोज़ के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।